वेलकम बैक टू द वीडियो। और स्टूडियो में बात करें स्टॉम पर बिना स्टूडियो ऐड किए उसको हाईलाइट में कैसे ऐड करूँ, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टॉम को ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, मैंने स्टॉम को ओपन कर लिया। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पर कर देंगे आप सिंपल, यहाँ पर किसी भी स्टोरी को हाईलाइट में ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टोरी लगानी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ऑलरेडी स्टोरी लगा रखी है, एंड यहाँ पर मैं अगर इसको हाईलाइट में लगाना चाहूँ यहाँ से मैं लगा सकता हूँ। हम थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से हाईलाइट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट गाइस आप लोग चाहते हो कि यहाँ पर हम उसको स्टोरी में ना लगाए, हम डायरेक्टली उसको हाईलाइट में ऐड कर पाए, ठीक है। अगर आप ऐसा चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा भाई कैसे आपकी स्टोरी को मतलब कोई देखेगा भी नहीं, एंड वो आपकी हाईलाइट में भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपको स्टोरी पर भी नहीं लगाना है। तो आपको ये सब करना कैसे होगा, आपको यहां पर इसको करने के लिए करना क्या, आपको सिंपली सबसे पहले प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अब यहां पर आपको करना क्या, आपको सिंपल यहां पर थंबनेल पे क्लिक करना है। स्टोरी ऐड करने के बाद ये तो आपको पता ही होगा भाई, आपकी वो स्टोरी सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए लगती है, ठीक है। यानी 24 घंटे के बाद वो एक्सपायर हो जाती है। इंस्टाग्राम पर मतलब रील्स वगैरह आप शेयर करोगे तो वो लाइफ टाइम रहेगी, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पर कोई स्टोरी ऐड करोगे तो वो 24 घंटे के लिए ही रहती है, ठीक है। 24 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है, एंड वो डिलीट होकर कहां जाती है, वो जाती है आपकी आर्काइव में। आप यहां पर देखिए, मैं जैसे यहां पर आर्काइव पे क्लिक करूंगा, हमने यहां पर जितनी भी स्टोरी लगाई होगी ना, जब से ये अकाउंट बनाया है, अकाउंट बनाने से लेकर आज तक हमने जितनी भी स्टोरीज में ऐड की होगी एंड वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर होगी, वो सब यहां पर आ जाती है। आप यहां पर देखिए, स्टोरी ऑटोमेटिकली डिलीट होने के बाद आर्काइव में ऐड हो जाती है। ये तो आप समझिए, इंस्टाग्राम स्टोरी एक्सपायर होने के बाद या फिर डिलीट होने के बाद यहां पर आपकी आर्काइव में शो करती है। लेकिन यहां पर गाइस ऐसा नहीं है कि यहां पर आपने मतलब कोई भी स्टोरी को ऐड किया एंड आपने उसको तुरंत डिलीट कर दिया, वो तुरंत ही आर्काइव में आ जाएगी भाई, तुरंत वो नहीं आएगी, वो आती है 24 घंटे के बाद। तो यहां पर मतलब आपको कुछ तो ऐसी ट्रिक लगानी होगी जिससे आपकी स्टोरी आर्काइव में आ जाए। आर्काइव में आपकी कैसे आएगी ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि आर्काइव में आने के बाद ही आप उसको हाईलाइट में ऐड कर सकते हो। आप यहां पर देखिए, मैं जैसे इसको बैक करता हूं, प्रोफाइल पे जाता हूं, अगर हम यहां पर न्यू हाईलाइट पे भी क्लिक करते हैं, यानी कि यहां पर हम नई हाईलाइट बनाते हैं, जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्टली कहां पर लेकर जाता है, ये हमें आर्काइव वाली ही स्टोरी यहां पर शो करता है, ठीक है। तो यहां पर भी आपको सेम स्टोरी शो कर रही है। वहीं अगर हम इसको बैक करके प्रोफाइल पे क्लिक करके थंबनेल पे क्लिक करते हैं एंड यहां पर हम आर्काइव में आते हैं, तो यहां पर भी हमें सेम स्टोरी शो कर रही है। तो कुल मिलाकर यहां पर आपको अपनी उस स्टोरी को सबसे पहले यहां पर ऐड करना होगा। अब वो कैसे ऐड होगी यहां पर, यानी कि आर्काइव में कैसे आएगी, आर्काइव में लाने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपल यहां पर प्लस आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड जो भी फोटो आप शेयर करना चाहते हो आपको सिंपली सबसे पहले स्टोरी पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद यहां पर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है, फोटो या फिर गैलरी पर क्लिक कर दूंगा। फिर उसके बाद यहां पर आप देखिए, ये जो हमारी इस वीडियो का थंबनेल है, मैं इसको ही स्टोरी में ऐड करता हूं, ठीक है। अब आपको करने के आपको सिंपल इसको शेयर करना है। अब आप में इसका बंदे ऐसा सोचेंगे भाई आप इसको स्टोरी पर शेयर कर रहे हो, लेकिन गाइस यहां पर मैं आपको बता दूं, मैं इसको इंस्टाग्राम स्टोरी में तो भले ही शेयर कर रहा हूं, लेकिन इस स्टोरी को कोई भी बंदा नहीं देगा। वो कैसे, आपको करना है आपको सिंपल इसको शेयर करना है। जैसे आप इसको शेयर कर देंगे, शेयर करने के तुरंत बाद यहां पर आपको इसको डिलीट करना है, ठीक है। आप यहां पर देखिए, एक सेकंड भी नहीं होगी हम इसको डिलीट कर देंगे। हालांकि यहां पर एक स्टोरी ऑलरेडी ऐड है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमने 20 सेकंड में लगाई है, हम थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। जैसे आप इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट करने के बाद यहां पर आपको करना क्या है, आपको सिंपली बैक आ जाना है, ठीक है। आपको सिंपली प्रोफाइल पर क्लिक करना है, यानी कि हमने स्टोरी में अपना फोटो ऐड किया या फिर हमने उस वीडियो को ऐड किया जो हमारे ऐड में लगाना चाहते हैं, एंड हमने उस स्टोरी को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली प्रोफाइल पर क्लिक करना है, थंबनेल पर क्लिक करना है। थंबनेल पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको करना क्या है, आपको सिंपल यहां पर योर एक्टिविटी मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा योर एक्टिविटी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहां पर आपको करना क्या है भाई, आपको सिंपल यहां पर मिलेगा रिसेंटली डिलीटेड, ठीक है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सबसे पहले यहां पर रील का, दूसरा यहां पर स्टोरी का, ठीक है। तो आपको सिंपल स्टोरी पर क्लिक कर देना है। जो भी स्टोरी यहां पर आपने डिलीट की होगी वो यहां पर आपको शो कर जाएगी, ठीक है, टॉप वन में। यहां पर आप देखिए, मैं इस पर क्लिक करूंगा, हमने इस पर क्लिक किया, कि एक मिनट पहले हमने स्टोरी लगाई थी एंड ये स्टोरी अभी भी ऐड है, हमने इसको डिलीट भले ही कर दिया हो, लेकिन ये मतलब किसी को दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो यहां से तो मतलब आप इसकी हाईलाइट नहीं बना सकते, आपको सबसे पहले इसको रिस्टोर करना होगा। लेकिन अगर आप इसको 24 घंटे से पहले रिस्टोर करते हो तो ये आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिखने लग जाएगी, जिससे लोग इसको सीन कर लेंगे, देख लेंगे, एंड आप ऐसा नहीं चाहते, ठीक है। तो यहां पर आपको करना क्या होगा, यहां पर आपको एक ट्रिक लगानी है। वो ट्रिक क्या है, आपको इस स्टोरी को 24 घंटे के बाद रिस्टोर करना है। जी हां गाइस, अगर आप इसको 24 घंटे के बाद रिस्टोर करोगे तो ये स्टोरी आपकी एक्सपायर हो चुकी होगी, ये आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी में नहीं रहेगी, ये आपकी डायरेक्टली आर्काइव में चली जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको करना क्या है, अभी मैं यहां पर अगर 24 घंटे का वेट करता हूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, या फिर यहां पर मुझे 2 दिन लग जाएंगे इस वीडियो को बनाने में, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको स्टोर करके दिखाता हूं आपको करना क्या है। आपको सिंपल यहां पर इस स्टोरी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहां पर आपको करना क्या है भाई, आपको सिंपल यहां पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको रिस्टोर का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, यहां पर आपको रिस्टोर कर देना है। जैसे आप रिस्टोर कर देंगे, रिस्टोर होने के बाद ये स्टोरी आपकी आर्काइव में चली जाएगी।
जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये स्टोरी जैसी आपके आर्काइव में आ जाएगी, आपको आर्काइव कहाँ मिलेगा, आपको सिंपली थंबनेल में क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको आर्काइव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर वो आपको स्टोरी शो होने लगेगी, लेकिन वो अभी के टाइम में यहाँ पर शो नहीं कर रही है क्योंकि भाई वो स्टोरी यहाँ पर अभी आर्काइव नहीं हुई है। जैसे वो एक्सपायर हो जाएगी 24 घंटे के बाद वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपको डिलीट करने के बाद 24 घंटे के बाद उसको रिस्टोर करना है। जैसे आप उसको रिस्टोर करोगे वो डायरेक्टली आपकी आर्काइव में आ जाएगी एंड अभी के टाइम में डिलीट होने के बाद स्टोर हमने की वो आर्काइव में नहीं आई, वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट पर लग गई, ठीक है। एंड जैसे ही वो आपकी आ जाएगी आपको करना क्या, आपको सिंपली उस स्टोरी पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा हाईलाइट का ऑप्शन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको न्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप मतलब जो भी चाहो यहाँ से आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 1 2 3 लिख दिया, आप यहाँ पर जो चाहो लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या, आपको सिंपल यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पर क्लिक कर देंगे आपकी हाईलाइट इंस्टाग्राम स्टोरी में ऐड हो जाएगी। आप यहाँ पर देखिए हमारी हाईलाइट यहाँ पर लग चुकी है, ठीक है। तो गाइस कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको बिना इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाए किसी भी इंस्टाग्राम स्टोरी को हाईलाइट में ऐड करना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा कैसे आप बिना इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर किए कैसे उसको हाईलाइट में ऐड कर सकते हो। सब कुछ मैंने आपको वीडियो में सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए आज वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।